नागपुर विश्वविद्यालय में किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रहते हुए शिक्षण मंच की अध्यक्ष डॉक्टर कल्पना पांडे बीजेपी के दिग्गज नेताओं के नाम का रौब दिखाकर मनमानी करी है। विवेक के पवित्र शैक्षणिक वातावरण को डॉक्टर पांडे ने भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर रखा है, ऐसा आरोप वीएमवी महाविद्यालय की हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर सोनू जेसवानी ने लगाई है। साथ ही डॉक्टर जेसवानी ने डॉक्टर पांडे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। शुक्रवार को प्रेस क्लब में आयोजित पत्र परिषद में वह बोल रही थी। उन्होंने आगे कहा कि यह अत्यंत दुखद और खेदजनक है कि विश्वविद्यालय को अपने शताब्दी वर्ष में इतनी कलंकित स्थितियों से गुजरना पड़ा है। इसका केवल एकमात्र कारण कल्पना पांडे और उनका भ्रष्टाचारी तानाशाहीपूर्ण दुर्व्यवहार है। गाइडशिप वापस मिले इसलिए प्रभारी कुलगुरु डॉक्टर प्रशांत बुकारी को निवेदन दिया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, ये डॉक्टर जेसवानी ने दावा किया है। बाहर इस तरह अगर कहेंगे जो कहना भी चाह रहे थे तो नाम महाविद्यालय का आएगा। केवल हमने इतना भर कहा था कि आरएसी में हमको निकाल के वो आभा सिंह को रखा गया कि जिसकी वो क्षमता या योग्यता भी नहीं थी। इस वाक्य को चांदे करने लिखवा लिया आभा सिंह से शिकायत, और इस आधार पर शोकॉज दिया कि हमने महाविद्यालय की बदनामी की है। मामला कहाँ चल रहा था? विद्यापीठ का। यही प्रिंसिपल के पास गए थे कि सर हमारी दो छात्राओं को बहुत तकलीफ दी है मनोज पांडे ने, कृपा करके आप कुछ कर सकें तो करिए। और क्योंकि दो साल से बहुत घृणित कार्य उसका शुरू था वो व्यक्ति का, तो भी हम गए क्योंकि बात बच्चियों की थी। तो वो घुमाते घुमाते इस तरह से शोकॉज, मतलब आभा सिंह की बदनामी यानी पूरे वीएमवी कॉलेज की बदनामी की है, ऐसा करके शोकॉज दिया। आज वो आभा सिंह का प्रकरण परचुरे अधिवक्ता परचुरे जिसे तैयार करवाया गया वो रिपोर्ट दबवा दी गई कल्पना पांडे के द्वारा। अब मैनेजमेंट किसकी सुनेगी? हम एक सामान्य प्राध्यापिका की सुनेगी कि वो बीजेपी का रौब दिखाने वाली मैडम की सुनेगी? करते रहे सर, और केवल कि महाविद्यालय है, संस्था अधिकारियों का बहुत आदर करते हैं और वे कुछ करेंगे। होते होते चांदेकर को सेवानिवृत्त होने दिया उन्होंने, कल्पना पांडे को सेवानिवृत्त होने दिया, आभा सिंह पर कार्यवाही की, लेकिन इन लोगों ने बाहर से फिर दबाव बना के उसको भी दबा दिया गया। मतलब जाए तो जाए कहाँ। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।